टॉपिक है ब्लैक मैजिक रिमूवल और रिलेशंस, कि रिश्तों में ब्लैक मैजिक रिमूवल का क्या महत्व है या इम्पोर्टेंस है या क्या रिलेशन है। अब ये टॉपिक मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे कम अक्रॉस करती हूँ अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, जब एक्स विक्टिम्स के साथ ये चीज़ें वो मुझे बताते हैं और मैं खुद भी एक्सपीरियंस करती हूँ कि उनमें क्या चेंजेस आए हैं, और लोग जानना भी चाहते हैं कि जब ब्लैक मैजिक हमसे रिमूव हो जाएगा तो हमें क्या चेंजेस फील होंगे। वो बात करते हैं हमेशा चेंजेस की प्रोटेक्शन एस्पेक्ट में, बट टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट जब ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा कम्प्लीटली तो उसके बाद तुम में क्या चेंजेस रिश्तों में आपस में भी आ सकते हैं या तुम में अपने आप में क्या चेंजेस तुमको फील हो सकते हैं, इसके बारे में मैं आज बात करूँगी। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद दिस, पहले तो ये समझना कि ब्लैक मैजिक क्या है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ही हाई डिग्री में जब नेगेटिव एनर्जी एक साथ कलेक्ट हो जाती है, बहुत हाई लेवल की नेगेटिव एनर्जी जब कलेक्ट हो जाती है उसको हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में ये कहने का मतलब है। अब उसके अलग अलग तरीके हैं करने के, इविल चीज़ है, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ ऑफ यूनिवर्स है, अगेंस्ट द लॉ ऑफ तंत्रा भी ये चीज़ है कि किसी को दुख पहुंचाना मतलब तंत्र का नाम नहीं है, वो लोगों ने इसको ख़राब कर दिया है, बट वो डिफरेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर। तो जब ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हो जाता है और उस समय जिन लोगों के साथ वो इंसान मिंगल कर रहा होता है, घूम रहा होता है, या उसका फ्रेंड सर्कल होता है, अब मैं ये नहीं कही सारा फ्रेंड सर्कल बेकार होता है, बर्बाद होता है, उसके लिए सूटेबल नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज में जिन लोगों से वो मिलता है और जिन लोगों से पे वो भरोसा करता है और जिन लोगों के साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है, चाहे वो मैरिज हो, लव अफेयर हो, इवन बिजनेस पार्टनर्स हो, किसी भी तरीके की जो इम्पोर्टेंट रिलेशन होते हैं या सोशल एक रिकग्निशन हो, सोशल सर्कल हो, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नेगेटिव लोगों की तरफ उसको ज़्यादा ले जाती हैं, क्योंकि उसकी तरफ भी नेगेटिव लोग ही ज़्यादातर अट्रैक्ट होंगे और वो भी नेगेटिव लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑरा ही नेगेटिव बना हुआ है। जब एक इंसान नेगेटिव ऑरा में इतना ज़्यादा फंस चुका है तो एनर्जी कौन सी वो एक्सेप्ट करेगा? पॉजिटिव लोगों से तो वो दूर भागेगा, क्योंकि अच्छी ट्रैक की चीज़ें और सही चीज़ें तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं आएंगी। क्यों? उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो उस तरीके के माया जाल में फंसा हुआ है, वो उस तरीके के जंजाल में फंसा हुआ है काले जादू के, कि उसका सही चीज़ में दिमाग चल ही नहीं रहा है, लोग चलने भी नहीं दे रहे, और उसके साथ के भी जो लोग हैं वो ऐसे ही उसकी तरफ आए हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं नहीं तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, या जो तू जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, ये लोग ही तेरे पेरेंट्स ही हैं जो ख़राब हैं, ये लोग ही हैं तेरे भाई बहन ही जो ख़राब हैं, या तेरी गर्लफ्रेंड ही ख़राब है। एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ओके। समटाइम्स ये भी होता है कि जैसे शादी का टाइम आ गया है, ओके, अपने लिए गलत लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेना, ओके, ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है लोगों के साथ, ये प्रॉब्लम हुई है कि ब्लैक मैजिक टाइम पे जो मैरिजेस हुई हैं, जब ब्लैक मैजिक चल रहा है किसी एक के ऊपर, तो एक तो कंपैटिबिलिटी एक दूसरे की नहीं बन रही है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ब्लैक मैजिक के दौरान तो कोई भी तुम्हारा एनिमी नहीं चाहेगा कि तुम्हें अच्छा पार्टनर मिल जाए, वो तो जानबूझ के तुम्हें उसी जगह धकेलेगा प्रोसेस के थ्रू कि तुम्हें गलत पार्टनर मिले जहाँ तुम दुखी होकर रह जाओ, उसके बाद डिवोर्स हो, प्रॉब्लम्स हो और दुनिया भर की और चीज़ें हों, डिप्रेशन हो, इज़न्ट इट। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर शादी नहीं हुई है अभी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और ब्लैक मैजिक डायग्नोस करवा चुके हो हमसे, और अगर उसमें बता दिया है कि तुम ब्लैक मैजिक विक्टिम हो अगर अनफॉर्चुनेटली, तो अभी जो भी मेजर काम है जो करने हैं उन्हें अभी रोक दो, उनको थोड़ा समय दो, अपने आप को समय दो। क्यों? क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो, बल्कि 90% बहुत बात क्या 90% मैंने ये चीज़ देखी है कि जो शादियां लव मैरिजेस की स्पेशली बात कर रही हूँ, जो लोग करना चाह रहे थे, ओके, आफ्टर जब उनका रिमूवल हो गया, उनको चीज़ें कुछ पहनने को दे दी जाती हैं, जब अकॉर्डिंगली कि उसका केस के हिसाब से उसे क्या पहनना है, लॉकेट पहनना है, जेम्स पहनने हैं, क्या पहनना है, व्हाटएवर इट इज़, जब दे दी जाती हैं, सो 5 से 6 महीने में उसको अपने अंदर चेंजेस महसूस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी, जो उसका ओरिजिनल नेचर था, उसको तो काले जादू से डुबो गया दिया गया था, बांध दिया गया था, कहते हैं ना सप्रेस कर दिया गया था, और उसको कुछ और ही इंसान बना दिया गया था नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू, तो वो तो ओरिजिनल वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी उसकी नहीं रही अपने लिए।
सही उसकी पसंद क्या है वो भी उसे समझ नहीं आ रहा है, सही गलत का भी अंतर समझ में नहीं आ रहा। बस जो लोग उससे आराम से बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, चीनी चाशनी लगा के बात कर रहे हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छे उसके वेल विशर्स हो गए हैं। और जो पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, घर वाले या वेल विशर्स जो उसको बोल रहे हैं कि तुझमें चेंजेस आ रहे हैं, देख तुझमें सडनली तो लड़ाइयाँ कर रहा है या तुझे समझ में नहीं आ रहा, वो उसके दुश्मन बन गए हैं। ओके, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन चाहे पार्टनर चूज करने का हो बिजनेस में, शादी में, या इवन फॉर दैट मैटर कई बार जब आप घर खरीदना चाह रहे हो और आप आ चुके हो ब्लैक मैजिक डायग्नोसिस में, डिटेक्ट हो चुका है कि ब्लैक मैजिक है, तो उसको पहले रिमूव करवाओ कुछ समय अपने आप को दो चीज़ें पहनने के बाद, और क्या पता उसके बाद तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी, और ना ही मेरे लिए ये पार्टनर सूटेबल है, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, मेरा माइंडसेट बहुत दूसरा है, या ये जो जगह मैं लेने जा रहा था उसमें तुम्हें कुछ सिक्स सेंस आ जाए कि नहीं ये मेरे लिए सूट नहीं कर रही है, इसका वास्तु ठीक नहीं है, या कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मत करना। क्योंकि जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं सुनी हैं और उसके बावजूद हड़बड़ाहट में आके, क्योंकि उस समय तो आपको किसी की बात सुनने को आप राज़ी हो नहीं, ओके, बस जो विश्वास कर जाते हैं कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो बिना सोचे समझे उस चीज़ को कर जाओ, उन्हीं की नैया पार निकल पाती है। तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये चीज़ को नहीं माना, और उसके बाद फिर जब उन्होंने शादी करी उनको विदिन 3 to 4 months ही रियलाइज़ हो गया कि अरे हम तो गलत जगह फंस गए, हमारा तो इस इंसान के साथ गुजारा है ही नहीं, बसेरा है ही नहीं, और मतलब एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, इस तरीके का डिफरेंस। और पहले एक दूसरे के लिए मरे जा रहे थे कि नहीं इसी से शादी करनी है, इसी से शादी करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, जिसके ऊपर नहीं हो पा रहा, नहीं हो रखा, उसको तो सडन शॉक और मिलता है, उसके लिए भी बहुत शॉकिंग रहता है कि अरे ये इंसान तो पहले कुछ और था और इसकी पर्सनैलिटी अब कुछ और ही मुझे नज़र आ रही है, तो ये तो इंसान ही नहीं था जिसको मैंने अपने लिए चूज़ किया था। दूसरे इंसान को भी ये महसूस होता है, ओके, तो मतलब ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनालिटीज को दबा दिया गया था ब्लैक मैजिक से, तुम्हारे ग्रहों को दबा दिया गया था जो तुम्हारे पॉजिटिव ग्रह है, तो तुम्हारी ओरिजिनल पर्सनालिटी, तुम्हारे ओरिजिनल माइंडसेट कभी उभरा ही नहीं, तुम्हारे खुद के सामने नहीं उभरा, तो दूसरों के सामने क्या उभरेगा। और जब वो रिमूव होता है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अलग निकलती है, तुम्हारा सोचने का तरीका, समझने का तरीका, बोलचाल का तरीका, यू नो लाइफ की टूवर्ड्स देखने का एक माइंडसेट टोटली जो है वो बदला हुआ होता है। अब वो तुम्हारे लिए तो पॉजिटिव है, लेकिन जो लोग तुम्हें देख रहे हैं या तुम्हारे जो नेगेटिव लोग हैं उनसे तुम तुरंत दूर होगे, अपना नया फ्रेंड सर्कल बनाओगे, अपना नए, और उसमें से जो अच्छे थे सही थे उनके साथ ऑफकोर्स रहोगे, लेकिन वो तुम्हें बता देंगे कि तेरी पर्सनैलिटी में, तेरे बोलचाल में, तेरे नज़रिए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये अफेक्ट करती हैं, तो इसीलिए मैं कहती हूँ ब्लैक मैजिक रिमूव करने के बाद ज़रूर और ज़रूर वेट करें कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से, क्योंकि अपने आप को भी नए तरीके से जानने का मौका जो है, अपने आप को न्यू तरीके से इंट्रोड्यूस करने का मौका ब्लैक मैजिक रिमूवल के बाद ही मिलता है, और अपने आप से नई तरीके से मिलने का मौका भी इस दौरान मिलता है। ओके, सो फर्स्ट अपने आप से मिलो, अपने नए अपने आप से मिलो, और उसके बाद कोई भी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लो, और जो चेंजेस अपने में फील कर रहे हो उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, उसमें पैनिक मत करो, उसको बुरा मत समझो, ये बहुत नॉर्मल है, ये होना बहुत ज़रूरी भी है। ऑलराइट, तो बस इतना ही इस वीडियो में, नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक, टिल देन गुड बाय।